चलिए जी, शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल सीरीज को बर्थडे पार्टी के साथ। आइए देखिए। तो क्या हाल है चनु, शक्ल तो दिखा दो। बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं रोमियो लेन और हमें जाते आते दो रोमियोस मिल गए जो बाइक पे जा रहे हैं। अरे अंकल, ओहो, रोमियो जूलियट फाइनली हम फ्लर्ट पे पोंपो करते जा रहे हैं। दिखा देते हैं। हे गाइस, यू नो व्हाट, और ये मेरे को ये लड़की की पूरी पूरी बढ़िया पूरी द रीजन एंड ओनली द ओनली वन वे ये ट्विनिंग करके दी। तो अभी गाइस हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं चंदू? कहाँ तुम बता दो। रोमियो लेन। रोमियो लेन। अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। कल की वीडियो आपने देखी होगी, मजा तो आया होगा। तो अब जाके एयरपोर्ट पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पर जाके बता दूंगा। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए स्किप मत करना और पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। चलिए देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान, मिलते हैं एयरपोर्ट पे। चलाओगे भाई? दौड़ो फिर। बहुत ही गंदा था ये तो, बहुत ही गंदा। अच्छा ब्लॉग कौन कर रहा है गाइस, देख तो लो, सुंदरी कर रही है ब्लॉग। व्हाट्सअप सुंदरी, कैसा लग रहा है बर्थडे ट्रिप पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी सुंदर लग रही हो यार, कल भी बहुत सुंदर लग रही थी तुम। हाँ तो गाइस, फाइनली हम लोग दिल्ली से उदयपुर आ गए हैं। यहाँ पर आने के लिए एज सच हमें कुछ ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, लाइक जैसे लास्ट टाइम हम लोग गोवा गए थे तो उधर काफ़ी कुछ हमें रिक्वायरमेंट थी, RT-PCR, वैक्सीनेशन। इधर है लेकिन कोई चेक नहीं कर रहा है, इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन दिख नहीं रही है मुझे। तो फ्लाइट बुक करो और आ जाओ। अभी हम लोग उदयपुर एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सिटी पैलेस के लिए। वहाँ पर कहाँ रुक रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। पीस। हीरो लग रहे यार तुम भी, हीरोइन लग रही हो। नीचे करके इसे। ये चंदू का ब्लॉगिंग सेटअप है। हाय। ये एक पोहा देना और एक कचौड़ी दे दो। पोहा नहीं है, कचौड़ी है। दाल वाली दे दो, एक प्याज वाली दे दो। ये दाल वाली है, प्याज वाली। ये दाल वाली है और ये प्याज वाली। दाल वाली कितने की है? 15 की। प्याज वाली 20 की। जी जी, क्या बात है, आपका नाम क्या है भैया? मेरा ओमलाल शर्मा। क्या बात है, गाइस प्रो टिप दे रहा हूँ, यहाँ से अच्छी कचौड़ी शायद आपको कहीं और मिले यहाँ पे उदयपुर में।
ये एयरपोर्ट की साइड है, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये लोकल ढाबा मिल जाएगा। क्या तो मस्त कचौड़ी है यहाँ पर यार, अमेजिंग अमेजिंग कचौड़ी। बिल्कुल नहीं होगी भैया, मैंने कह रही है भैया, भैया मैंने करी है सर, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी। अरे वो शूट पे सर, मेरा मन है, मेरा कैमरा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शूट करो ना आप सर, उससे कोई नहीं, हमारा स्टैंड है सर इसलिए। अच्छी बात है सर, आपका स्टैंड है, मेरा देश है, आपका देश है, हमारा बिल्कुल बिल्कुल सर। भैया आप इस स्टेज पर आ जाना ना, चलो चलो भैया। उसको अरे ये गोवा वाला सीन है, समझ गया। आप बढ़िया किया, सूट चालू कर दिया, तभी चुप हो गया। हां भैया, अरे बहुत जरूरी है अपने आप को, क्या दादागिरी समझ रहे हैं आप? गुंडे हैं क्या ये? क्या होता है भैया यहां पर, जरा विस्तार में बताओ इसमें। हां सर, कुछ आगे ही देखो आप, मैं कैमरा ले यहां पे। सर एयरपोर्ट पे मनमानी, मतलब दादागिरी इनकी। अच्छा, यहां पे बाहर आएगा कोई बंदा तो इनका कोई लेना देना कुछ नहीं है, सब टैक्सी वाले हैं सर, जिसके जम्मे वो जा सकता है ले जा सकता है। तो अभी मेरे को दो जनों मेरे से उलझ गए, मेरे मतलब गाली गलौज करने, मेरे पकड़ने लगे कि तुम नहीं ले जा सकते हो। पर इनका कोई सर यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे कोई पट्टा। हाँ अंदर हम नहीं ले जा सकते अंदर से, क्योंकि अंदर प्रीपेड की गाड़ी चलती है तो हम नहीं ले जा सकते। बाहर तो सर कस्टमर आएगा, किसी जिसको कस्टमर समझ में आएगा वो ले जा सकता है। बिल्कुल सर। हाँ ये तो ये बाहर वाले हमारे सिटी में, हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ बाहर आते हैं हम लोग तो ये नहीं लेने देते सवारी। फुल दादागिरी इनकी सर। ये कौन सा स्टैंड है? ये कौन सा स्टैंड है? ये स्टैंड बोल रहे थे मेरा स्टैंड है, ये एयरपोर्ट के बाहर सर, एयरपोर्ट के बाहर। मतलब इनका कब हो गया? बाहर आने के बाद में कोई किसी का स्टैंड नहीं होता है। बिल्कुल, वो आप सवारी ले जा सकता है, तभी तो हम बाहर आए थे। हाँ वो उसका लाल शर्ट वाला का आपने वीडियो अच्छा बनाया ना, वही था दादी करने वाला वो। मेरे को जो पहले भी आपसे पहले एक पार्टी और आई थी तो मेरे को क्या उन्होंने कहा भाई आप आ जाओ, अच्छे लगे व्यवहार आपका अच्छा है आप आ जाओ। तो मेरे को फट से आके मेरे गाड़ी खड़ी है और वो उसने मना कर दिया कि नहीं ले जा सकते हो, वो सवारी को बैठा के लेके चला गया और मैं वही खड़ा रहा। क्या सीन हुआ अभी, हमने आपको दिखा दिया, यही सेम सीन हुआ था हमारे साथ गोवा में। गोवा में तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है यार, मतलब यहाँ पर जो हुआ है उसके 10 times ज़्यादा मान लो वो उधर गोवा में होता है। वो मैंने प्रॉपर शूट नहीं करा था, लेकिन वो जितना भी था सब कुछ बता दिया था, रिकॉर्डेड है सब कुछ बता दिया था। वो भी मैं इसी के साथ डाल दूंगा कि क्या क्या भसड़ होती है ये टूरिस्ट एरियाज में, जो कि होनी नहीं चाहिए। इसका इशू बनना चाहिए, इसका इशू बनाना भी चाहिए, इसको जितना फॉरवर्ड कर सकते हो कर दो, बिकॉज ये आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और बाकी ये जो घूंघट सिंह जी है उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये अजीब दादागिरी चलाई हुई है, ये माफियाज बने हुए हैं। तो इट्स बेटर कि इसको और ज़्यादा आप शेयर करो एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो गाइस कर लो, इससे शायद कुछ सुधार आ जाए, है ना। तो और क्या हुआ, हम लोग ऑटो से आना चाह रहे थे क्योंकि थोड़ा लोकल फील करना था, रस्तों में रुकना था और हमें अंदर तक जाना था, तो ये रीज़न था हमारा ऑटो से आने का। लेकिन ऑटो वाले भाई साहब को हमने ओला में बुक करा, वो मैं अभी आपको दिखा था, ओला बुक करी 261 rupees आ रहा था। और जैसे ही भाई साहब को कॉल करा, भाई साहब आ गए लोकेशन में पहुंच गए, कह रहे हैं सर 600 rupees लूँगा। अच्छा हाँ, ये भी हुआ है? ये हुआ है अभी सर, 600 rupees लूंगा। मैंने कहा भैया 600 rupees क्या, ओला बुक करी है, मैंने आपसे कॉल पे थोड़ी ना बात करी है। कह रहे नहीं सर 600 rupees लूंगा। मैंने कहा फिर आप आए, मैं मेरे को तो जाना ही, फिर आप आए क्यों है जब 600 rupees ले, जब ओला के तरीके से आपने चलना नहीं है, ओला उबर की आप सुनते नहीं हो। तो कह रहे सर आपसे मुलाकात करने आए थे। मैंने कहा मेरे से ये मुलाकात करने आए थे भाई, मेरे को नहीं करनी मुलाकात, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर भाई साहब के साथ मैं आ गया, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने फटाफट करी और आ गया। तो उसके बाद ये सब सीन हुआ। तो गाइस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इशू है। और अभी मैंने दो जगह तो नोटिस कर ही लिया है, गोवा में तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी है, दो जगह तो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया है। तो और भी जगह है तो आप प्लीज़ कमेंट में भी बताना, और इसको जितना फैला सकते हो फैलाओ गाइस, क्योंकि ये बहुत गंद मचा हुआ है, ये आपके भी पैसे लूट रहे हैं, दूसरों के भी लूट रहे हैं, दूसरों को खाना रोजी रोटी भी छीन रहे हैं।
ठीक है चलो मिलते हैं अब सिटी वेल्स साइड पे और अपने होटल में। गाइस ये सब होने के बाद हमारे कैब ड्राइवर भाई साहब इतना डर गए थे कि उन्होंने बोला कि सर मेरा फेस मत दिखाइएगा एंड ना मेरा नंबर नाम बताइएगा कि मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए एंड मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरा रोज़ जिले का आना जाना है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इनका फेस ब्लर रखा था। तो गाइस मतलब इतने फेमस टूरिस्ट प्लेस पे ये सब हो रहा है, सो बहुत ही गलत चीज़ चल रही है ये सब। तो इस चीज़ को जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितना फैला सकते हैं फैलाइए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको सही होना चाहिए और ये काफ़ी हेल्प करने वाला है अगर ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो। इनफैक्ट आपको भी करेगा एंड बाकियों को भी करेगा। सो जितना शेयर कर सकते हैं करिए इस चीज़ को। एंड रही बात होटल की, हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे। होटल की वीडियो एक मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा होटल की, जिसमें सब कुछ स्पेसिफिकेशन एंड लोकेशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और सब ए टू जेड सारी डिटेल में उस जगह के बारे में भी बताऊंगा। सो जिस जगह हम लोग रह रहे थे अमेजिंग प्लेस था वो, उसके बारे में बहुत कुछ कहना है मुझे लेकिन इस वीडियो में नहीं बोलूँगा। वो तीन चार होटल्स की वीडियो और इनफैक्ट हॉस्टल की वीडियो मैं एक साथ एक ही पर्टिकुलर अलग वीडियो में बनाऊँगा, तो वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं मार्केट में, रात में उदयपुर की मार्केट कैसी लगती है वो आपको दिखाते हैं एंड क्या क्या करने का है रात में वहाँ पे वो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान, देखिए आगे। तो गाइज अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं और चंदू निकल गए हैं खाना खाने के लिए। अब कोई बढ़िया सा कैफ़े ढूंढते हैं एंड बैठ जाते हैं वहाँ पर, फिर आपको दिखाते हैं और बता दें कि वहाँ का खाना कैसा है। फिलहाल यहाँ की मार्केट रात के टाइम कैसी लगती है वो देख लीजिए। सो गाइज दिस इज़ द फेमस झील जिंजर कैफ़े और इसकी बेस्ट थिंग जो है इसका टेरेस है एंड इसका व्यू है। द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक व्यूज़ यू कैन गेट इन उदयपुर। द कैफ़े हैज़ 3 फ्लोर्स ऑफ सीटिंग स्पेस, द बेस्ट वन बींग दैट टेरेस ऑफ कोर्स। द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज गुड, फेयरली प्राइज एंड द एम्बियंस वॉज ग्रेट। सो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का। और हाँ, पिज़्ज़ा एंड पास्ता इज़ अ मस्ट ट्राई, सो डोंट मिस इट एवर जब भी आप लोग यहाँ पर जाएं। गाइज ये हैं दिव्यांश भाई साहब और इनका मीठा पान मिस मत करना यार जब भी आप उदयपुर आओ, देखिए कैसे बनाते हैं। ये स्वीट पाउडर माउथ फ्रेशनर के लिए होता है एंड ये स्वीट चटनी है, शुगर हनी विद गुलकंद भी बोलते हैं इसे। नहीं गुलकंद नहीं, गुलकंद नहीं है, स्वीट चटनी, स्वीट चटनी। ओके, सौंफ, सली सुपारी, खजूर, खजूर, चेरी, फोल्डेड
दे ही दो आप। खा के बताइए मैडम जी। How was it? Nice? तो भैया शॉप का नाम जगदीश चौक जे जे पान। ओके ऐसे कर दीजिए, बोलिए देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। नाइस थैंक यू वेलकम। कोई नहीं है? हाँ ये ना। सो गाइस ही इज नारायण जी, इज अ वेरी हैप्पी गाय। हे सर, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाएंगे, शाम मॉर्निंग में बताएंगे कि कैसा लगता है। हे व्हाट्स अप, सो गाइस मीट दिस अमेजिंग गाय तरुण एंड ही इज फ्रॉम विशाखापट्टनम, और ये छोटी सी मुलाकात लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप बन जाएगी, ये मुझे पता नहीं था बट ये बन गई है और ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं मेरे और चंदू के दोनों के, एंड आने वाली वीडियोस में ये काफ़ी नज़र आने वाले हैं, तो चलिए देखते रहिए। ग्रेट दिल्ली। अरे परफेक्ट। सो गाइस दिस इज़ व्हाट यू फाइंड इन अ हॉस्टल। हॉस्टल लाइफ में ये सब आपको मिल जाएगा, आप लोग होटल जाएंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा है, थोड़ा आप सोशलाइज कर लेंगे और ये कूल इंटीरियर्स मिल जाएंगे आपको। आपको दिखाते हैं दिन का टेरेस व्यू कैसा है। हमने ऑलरेडी देखा है, ये बहुत ही अमेजिंग था। नॉट मोर देन यू मूव कर देना। बढ़िया नाइस, अभी सही जा रही हूँ। ओके ठीक है जी, खेलना? हाँ खेलते हैं। ऊपर चलते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। और गाइज ये जो दो लोग आपको ब्लर में दिख रहे हैं ये इस हॉस्टल की जान हैं और ये इस हॉस्टल को संभालते हैं। इनका आंटी का नाम मैंने पूछा नहीं था, बिकॉज यूजुअली मैं नहीं पूछता कि जो मेरे से बड़े होते हैं तो, और जो भाई साहब जो बैठे हुए थे वहाँ पे उनका नाम है करण, और ये भाई साहब हैं मेरी फेवरेट जगह से, भोपाल से। भोपाल मेरी फेवरेट जगह इसलिए है बिकॉज वहाँ के लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और कुछ तो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो मित्र हैं वो भोपाल से हैं। सो अगर वो लोग देख रहे हैं तो लव यू गाइस। तो चलिए अभी ऊपर टेरेस पे व्यूज़ दिखाते हैं आपको कि रात में कैसा लगता है यहाँ पे। बाकी पर्टिकुलर अलग से वीडियो तो बनेगी ही बनेगी इनकी, तो चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ द सिटी ऑफ लेक उदयपुर में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। सी या।